दोस्तों शायद आप जानते ही होंगे कि पेट्स को वो खाना ज्यादातर नहीं खिलाया जाता जो घर पर बनता है, क्योंकि उनका शरीर अलग होता है और इससे उन्हें कई तरह की परेशानियां भी आ सकती हैं। इसलिए पेडिग्री ने पेट ओनर्स की जिंदगी थोड़ी सी आसान बना दी है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो खाना आप अपने पेट डॉग को रोज दे रहे हैं वो फैक्ट्री में बनता कैसे है? अगर नहीं तो आज जानेंगे हम इस वीडियो में। बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। पेट फूड बनाने के लिए जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो है अलग अलग तरह के अनाज, जिसमें कॉर्न, व्हीट, बार्ले और राइस शामिल है। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को वजन के हिसाब से सही अनुपात में एक मिलर में डालकर पहले अच्छे से ग्राइंड किया जाता है ताकि इनका पाउडर तैयार हो जाए। इस पाउडर के तैयार होने के बाद इसे आगे एक एक्सट्रूडर मशीन में भेज दिया जाता है। एक्सट्रूडर मशीन में पहले इस पाउडर को स्टीम कुक किया जाता है, जिससे ये गीले आटे की तरह हो जाता है। इसके बाद ये मशीन हाई प्रेशर का इस्तेमाल करके इसे छोटे छोटे पीसेस में बदल देती है, जिसे हम किबल भी कहते हैं। अगर किबल का साइज छोटा हुआ तो इसे चबाने की बजाय आपका पेट सीधा ही निकल जाएगा, और अगर साइज बड़ा हुआ तो हो सकता है ये उसके गले में फंस जाए। इसलिए इन्हें सही साइज में बनाना बहुत जरूरी है। शेप में आने के बाद इन्हें एक हॉट ड्रायर से अगले 25 मिनट तक गुजारा जाता है, जिस बीच ये ड्रायर इन किबल्स को पहले 149 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करता है, और जब इनमें से सारा मॉइस्चर उड़ जाता है तो इसे ठंडा कर लिया जाता है। इसके बाद इस किबल को यहाँ से निकाल कर एक रिवॉल्विंग ड्रम के अंदर भेजा जाता है, जहाँ पर स्प्रेयर्स की मदद से इनके ऊपर एनिमल फैट और फ्लेवरिंग ऐड की जाती है, जिससे ये ज्यादा न्यूट्रिशियस हो जाए और आपका पेट इसे खाने में नखरे भी ना करे। क्योंकि स्प्रेयर्स के ऑन होने के साथ साथ ड्रम भी घूम रहा है, इसलिए समान मात्रा में सभी पीसेस पर कोट हो जाता है। यहाँ से निकलने के बाद ये किबल स्टोरेज रूम में रख दिए जाते हैं, जहाँ फिर इन्हें पैकेजिंग के लिए यहीं से रवाना कर दिया जाता है। पैकेजिंग सेक्शन में ये किबल पहले कई सारी वाइब्रेटिंग स्क्रीन से गुजरते हैं, जिससे कि इसमें से टूटे या जर्जर हो चुके पीसेस को अलग किया जा सके। इसके बाद ये किबल से पैकेजिंग मशीन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस मशीन में केबल्स एक सिंगल पाइप से नीचे गिरते हैं और फिर मशीन के अलग अलग कोनों में चले जाते हैं। हर कोने पर एक मशीन लगी है जो ऑटोमेटिकली इनका वजन तोलती है, और जब पैकेट के हिसाब से 1, 2 या 5 किलो का वजन ऊपर इकट्ठा हो जाता है तो उसे नीचे शूट कर दिया जाता है, जहां पर पहले से ही बैग इन्हें रिसीव करने के लिए तैयार खड़े हैं। इसके बाद इन बैग्स को सील कर दिया जाता है। अब ये पेट फूड अगले 12 से 16 महीने के लिए बिल्कुल फ्रेश फूड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों ये तो थी प्रोसेस फैक्ट्री में डॉग फूड बनाने की। डॉग फूड की ही तरह कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो देखने में तो आसानी से बनाए जाने वाले लगते हैं, लेकिन उनके बनने की कहानी काफी मजेदार है। तो अगर आप किसी और प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग चैनल पर देखना चाहते हैं तो आप हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।